चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और आज हम आपको बताएंगे कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और शब्द शक्तियों के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। देखिए, जो कुछ भी बोला जाता है अथवा जो कुछ भी लिखा जाता है उसका अर्थ हमको जिस तरह से होता है, अर्थ का बोध कराने वाली वही शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम महात्मा गांधी का नाम लें तो हमारे मन में आदर भाव पैदा हो जाता है। हम सर्प का नाम लेते हैं तो उससे हमारे अंदर भय की भावना बन जाती है। मिर्च का नाम लेते ही उसके तीखेपन वाले स्वाद का एहसास आ जाता है। यही जो है वो शब्द के द्वारा, वाक्य के द्वारा जो अर्थ बोध है वो हमें बताता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो जिस शक्ति से भावगत बोध हो अथवा अर्थगत बोध हो उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसी तरह अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। लिहाजा शब्द शक्तियां भी तीन ही होती हैं, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अब हम ये जानेंगे कि इस बारे में विद्वानों का, जो भाषा के, साहित्य के, व्याकरण के विद्वान हैं, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य विश्वनाथ उसे शक्ति कहते हैं। आचार्य चिंतामणि इस बारे में बहुत ही सरल परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं, जो सुन पड़े सो शब्द, जो समुझ पड़े सो अर्थ। जो कानों में सुनाई पड़े वह शब्द है और जिसके हम अर्थ को समझ लें वह अर्थ है। तो इस तरह से ये विद्वानों की राय है। तो हम अब ये जानना चाहेंगे कि अमिधा शक्ति किसे कहते हैं। अमिधा शक्ति का अर्थ है प्रचलित अर्थ। जब हमें किसी वाक्य से उसके उसी अर्थ का बोध हो जो सामान्य तौर पर प्रचलित है, जैसे यह मेरा घर है, इस वाक्य में जो शब्द आया है घर, उसका तात्पर्य है रहने का स्थान। तो घर का मतलब है घर, जैसा उसका प्रचलित अर्थ है वही, उससे कोई भिन्न अर्थ नहीं है। या रहीम का अगर हम एक दोहा देखें, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहां प्रेम प्रेम है, धागा धागा है, टूटना टूटना है, चटकाना चटकाना है। अर्थात जो प्रचलित अर्थ है, सामान्य अर्थ है, सहज अर्थ है, वही अर्थ इसमें से निकल रहा है। इसलिए यह अमिधा शक्ति के तहत ही हमको इसका ज्ञान हो रहा है। पर लक्षणा शक्ति में थोड़ा अंतर आ जाता है। जब हमें किसी शब्द का अर्थ अमिधा शक्ति के द्वारा न मिले तब हम उसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग करके और उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमिधा शक्ति में उदाहरण हमने लिया था कि यह मेरा घर है, और अब हम इसी से दूसरा उदाहरण बनाते हैं कि उसने घर बसा लिया।
अब देखिए यहां घर का प्रचलित अर्थ नहीं लिया जा रहा है, उसने घर बसा लिया यानी विवाह कर लिया, उसकी गृहस्थी बन गई, तो ये जो अर्थ निकला प्रचलित से भिन्न, वो लक्षणा शक्ति के कारण हमने उसका अंदाज लगाया। जितने भी हमारे मुहावरे हैं, कहावते हैं, वो असल में लक्षणा शक्ति का ही उदाहरण है, क्योंकि उनका प्रचलित अर्थ कुछ और होता है और उनका जो अर्थ हम निकालते हैं वो कुछ और होता है। तो इस तरह ये लक्षणा शक्ति से हम उसका दूसरा अर्थ ज्ञात करते हैं जो प्रतीकात्मक होता है। और इसमें एक काव्य उदाहरण भी देखें जो दिनकर जी की कविता से लिया गया है। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पर। अब ये जो झरना है वो गाना गा रहा है, तो झरना तो गाता नहीं है, गाता तो मनुष्य है, पर उसकी ध्वनि से भी एक तरह का संगीत और गीत उपज रहा है, ये कवि कहना चाहता है। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो उसके लिए हमको लक्षणा शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, तब हमें यह अर्थ ज्ञात होता है। और अब हम आते हैं तीसरी शब्द शक्ति पर, जो है व्यंजना शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ हमको अमिधा शक्ति से भी ना मिले, लक्षणा शक्ति से भी ना मिले, तब हमको तीसरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और उसे कहते हैं व्यंजना शक्ति। व्यंजना शक्ति का जो मुख्य और लक्ष्य अर्थ से एक भिन्न अर्थ होता है और उसे हमें व्यंजना करके निकालना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक वाक्य कहें सूर्यास्त हो गया, तो देखिए इसका अमिधा से अर्थ निकलेगा कि सूरज डूब गया, दिन खत्म समाप्त हो गया। लेकिन अगर एक चरवाहे से कहा जाए कि सूर्यास्त हो गया, तो वह इससे अर्थ निकालता है कि अब अपनी भेड़ों को बकरियों को जंगल से वापस घर ले जाने का समय हो गया। एक विद्यार्थी से कहा जाए सूर्यास्त हो गया, तो उसके लिए तात्पर्य है कि अब पढ़ने बैठ जाना चाहिए, शाम हो गई। एक गृहिणी से अगर कहा जाए सूर्यास्त हो गया, तो उनके लिए तात्पर्य होगा कि अब रसोई घर में जाकर के रात्रि के भोजन की तैयारी करना चाहिए। तो व्यंजना शक्ति में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कारणों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ निकालते हैं, यही व्यंजना शक्ति कहलाती है। तो इसका भी हम एक काव्यात्मक उदाहरण देख लें। कबीरदास जी का एक दोहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। यहां पर जो चक्की है वो आटा पीसने वाली चक्की नहीं है, ये संसार रूपी चक्की है जो चल रही है और उसमें व्यक्तियों को पिसना पड़ रहा है। अब ये अलग अलग व्यक्तियों के पिसने का अलग अलग कारण हो सकता है, किसी के ऊपर काम का बहुत बोझ है, किसी के ऊपर परिवार का बहुत बोझ है, किसी के ऊपर कर्ज का बहुत बोझ है, किसी के ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है। तो अलग अलग व्यक्ति कि मैं कैसे संसार की चक्की में पिस रहा हूं, उसका अर्थ वो अपने तरीके से निकालेगा। इसलिए यहां पर व्यंजना शक्ति के द्वारा ही यह अर्थ हमें मिलता है। तो इस तरह आज हमने शब्द शक्ति के अर्थ को, उनकी परिभाषाओं को और उनके उदाहरणों सहित अंतरों को जान लिया है। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा पैदा होती हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।